हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ स्टार्टर पैनल वगैरह रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ बेंटेक्स के 7.5 HP से लेके 10 HP तक के स्टार्टर रखे हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा और आगे आएंगे तो हमारे पास कुछ 2 HP के रिले स्टार्टर पड़े हुए हैं, कुछ 1 HP के पड़े हैं, कुछ रिले स्टार्टर सिर्फ 3 फेस वाले रखे हैं, कुछ 2 फेस सिंगल फेस सभी प्रकार के रखे हुए। तो दोस्तों, मैं क्या करूँगा कि अभी इनको सबको एक एक पीस रख के मैं आपको इसकी थोड़ी डिटेल में आज कुछ बात करेंगे। तो मैं इनको सब निकाल लेता हूँ पहले, फिर चलते हैं अपन आगे देखते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि मैंने चारों पैनल को आपस में रख लिया है। तो सबसे पहले चलते हैं बेंटेक्स SK ऑयल स्टार्टर के पास। ये हमारा ऑयल स्टार्टर जो है 10 HP 3 फेस में चलेगा। AC टोटल है 415 वोल्टेज। इसकी MRP वगैरह दी गई है और कंपनी के बारे में कुछ डिटेल। फिर आता है हमारा एक सिर्फ सिंगल रिले स्टार्टर जो है, आप देख सकते हैं। ये जो हमारा है इसमें 13-21 का रिले लगा हुआ है और यहाँ पर कुछ डिटेल दी गई है, इसको भी अभी ओपन करते हैं। फिर आता है हमारा 2 फेस का। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी 13-21 का रिले है और जो है 1.5 से 2 फेस चले गए। फिर बात करते हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट के बारे में बताया गया है। फिर आते हैं नीचे, तो यहाँ पे हमारा 1 HP का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 HP का, और 9वें महीने में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। एक्चुअली ये सिर्फ MCB और कंडेंसर वाला है। तो भी सभी को अनबॉक्स करते हैं एक एक से, फिर देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने इन्हें बॉक्स से बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ये मेरा ऑयल स्टार्टर है, ये मेरा सिर्फ रिले स्टार्टर जो है 32 एम्पियर का है, ये है मेरा सिंगल SP का MCB वाला स्टार्टर, और ये आता है हमारा 2 फेस वाला रिले स्टार्टर। तो एक एक से बारी बारी मैं इनको खोल के भी दिखाऊंगा, इसमें अपन कुछ बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसी को खोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एक लॉक लगा रहता है, तो आपको इस लॉक को ऐसे करना है और ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले देख सकते हैं, यहाँ पर एक वोल्टेज घड़ी दी हुई है, एक इंडिकेशन ऑन के लिए दिया है, और ये है हमारा एम्पियर मीटर, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी मोटर जो है कितना लोड लेके चल रही है। और ये एक स्टार्टिंग का बटन है और ये ऑफ का बटन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि दो इन्होंने 36-36 के 2 कंडेंसर दिए हैं, और एक हमारी इसमें स्टार्टिंग 200-250 MFT की स्टार्टिंग दी है, यानी रनिंग कंडेंसर जो होता है। यहाँ पे आता है दोस्तों रिले हमारा। तो ये आप देख सकते हैं रिले है, इसमें जो कॉइल आप देख सकते हैं 140 से 220 वोल्टेज की कॉइल लगी हुई है, और जो हमारा रिले है यहाँ पे आप देखेंगे 13-21 का। तो दोस्तों, ये जो पैनल होता है, स्टार्टर होता है, जो ये 2 फेज के मोटर के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, क्योंकि रिले जो होता है वो काफ़ी हद तक मोटर को सेफ रखता है। और अब आगे चलते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है, वो मैं कभी किसी और दिन बताऊंगा दूसरी वीडियो पे, वो जब वैसी सुविधा आएगी, तो अभी मेरे पास वो सुविधा नहीं है। फिर आता है हमारा दोस्तों सिंगल SP। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा सिंगल SP, इसमें भी एक ऐसा लॉक होता है, इसको अपन ऐसे ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसमें भी सेम है दोस्तों, एम्पियर घड़ी इन्होंने ऊपर दे दी, वोल्टेज वाइज नीचे। ये स्टार्टिंग है और ये आपका MCB से ऑन ऑफ होगा। 16 एम्पियर की इसमें शायद MCB लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि इन्होंने 50 MFD कंडेंसर और 120 से 150 MFD का इन्होंने रनिंग स्टार्टिंग कंडेंसर दे दिया है, और एक MCB। इसमें बहुत ही साधारण कनेक्शन है, कोई ज़्यादा क्रिटिकल टाइप का नहीं है, इसमें बहुत ही साधारण कनेक्शन इन्होंने करके दिया है। ये जो अर्थ फेस की मोटर होती है, जो अपन लोग घर वगैरह में यूज़ करते हैं, उसके लिए ये पैनल बेस्ट होता है। जैसे अपने घर में बच्चे वगैरह हैं तो आप आंटी वगैरह तो फंसाएंगे नहीं, ये सिस्टम बेस्ट रहेगा। उसके बाद आता है हमारा ये तीसरा। तो इसके भी मैं 2 स्क्रू खोल लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने 2 स्विच दिए हैं। तो एक स्विच ये हरा वाला जो है, ये वाला, ये ऑन का है, और ये रेड वाला है ये ऑफ का है। रेड वाला आप ऑफ करके हमेशा के लिए भी रख सकते हैं। इसमें इन्होंने एक ये पट्टी दी गई है, आप इसको ऐसे दबा के चढ़ा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये पट्टी यहाँ नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक लॉक दिया हुआ है।
आप इसको नहीं जा सकते, तो इसको ओपन भी कर। दोस्तों मैंने इसको बॉक्स को ओपन कर लिया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमारे एक 13 का इसका रिले लगा हुआ है। इसमें कॉइल जो है थोड़ी हैवी होगी, ये देख सकते हैं आप, इसकी कॉइल जो है थोड़ी ज़्यादा ही हैवी टाइप की दी गई है। इसमें कनेक्शन करने का दोस्तों थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, अगर कोई नया किसान है तो उसके लिए थोड़ी दिक्कत जाएगी, लेकिन हाँ यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 फेज की इसमें तारें दी गई हैं, और वही 3 फेज अपने आते हैं यहाँ पर, 1, 2, 3। ये तो हमारा अर्थ का हो गया, ये तीनों आपस में जॉइंट होते हैं, यानी यहाँ पे मोटर के कनेक्शन रहेंगे और यहाँ पे हमारा रहेगा मेन लाइन का 3 फेस। इसमें भी कनेक्शन के लिए ज़्यादा दोस्तों, इसमें मैंने कनेक्शन के बारे में बताया नहीं, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ से आप कनेक्शन कर सकते हो, सेम इसमें भी यहीं से आप कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने डिटेल दी है कि आप कैसे कनेक्शन कर सकते हैं। फिर आता है हमारा ऑयल स्टार्टर, इसको भी मैं अभी, फिर होता है एक हमारा ये ऑयल स्टार्टर, इसको भी अभी ओपन करना पड़ेगा, तो हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। इसको भी मैंने ओपन कर लिया दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो है ये टैंक दिया है जिसमें अपन ऑयल फिल कर सकते हैं। ऑयल लेवल इन्होंने बताया कि ये मार्क के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो समथिंग इसमें 1.5 लीटर ऑयल आ जाता है। और फिर बात करें इसके यहाँ मोटर कनेक्शन की, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पे कनेक्शन के बारे में इन्होंने बताया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन के बारे में बताया है कि आप 3 फेस यहाँ से जोड़ सकते हैं, और यहाँ पे मोटर कनेक्शन आपको करना है, यानी मोटर की जो 3 वायर होती हैं वो तीनों यहाँ पर ज्वाइन करने। तो ये 3 फेस में सिस्टम है इसका दोस्तों। अगर आप चाहें तो आपके पास अगर ये 2 स्टार्टर हैं, तो आप इन दोनों से 2 फेस का कनेक्शन भी कर सकते हैं, बस उसमें कंडेंसर लगेंगे और यहाँ पे उनका सिस्टम इसमें बन जाएगा। लेकिन ये जो है ये अर्थ फेस का है और ये 2 फेस में चलेगा। तो दोस्तों आपको कौन सा स्टार्टर बेस्ट लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से तो ये सभी बेस्ट हैं अपनी अपनी जगहों पे। ये ऑयल वाला जो है ये जो होता है मोटर को जलने नहीं देता है, और इसमें एक सिस्टम और आता है, ऑटो कट लगा सकते हैं आप इन दोनों में। तो इन दोनों में ऑटो कट लगाने में ये होता है कि अपन जब भी खेत वगैरह में नहीं है तो मोटर ऑटोमेटिक कट कर देती है, उसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, बोलोगे तो मैं इंड स्क्रीन या आई बटन में उसका लिंक भी दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और इन 3-4 में से कौन सा स्टार्टर आपको बेस्ट लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे हिसाब से तो ये अपनी अपनी जगह पे, सब अपनी अपनी जगहों पे बेस्ट हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, आई लव यू।